इनमें धू धू कर जल गई 300 कारें। बेंगलुरु चल रहे एरो इंडिया शो के दौरान फिर बड़ा हादसा हुआ है। यहां अचानक पार्किंग में खड़ी कारों में आग लगने से वहां अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक पार्किंग के पास सूखी घास में आग लगने से यह भयावह हादसा हुआ। देखते ही देखते पार्किंग में खड़ी करीब 300 कारें आग की चपेट आ गईं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि एरो इंडिया शो के उद्घाटन से पहले भी एक बड़ा हादसा हुआ था। हरियाणा के हिसार के रहने वाले साहिल गांधी शो के उद्घाटन से एक दिन पहले 19 फरवरी को प्रैक्टिस के दौरान दूसरे विमान से टकरा गए थे। हादसे में दो पायलटों की जान बच गई थी, मगर साहिल के विमान का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की वजह से वह विमान से बाहर नहीं निकल पाए और हादसे में उनका देहांत हो गया। यहां देखें वीडियो। शनिवार को एक बार फिर बड़ा हादसा हुआ, कई कारें एक साथ जल उठी। आसमान में धुएं का गुबार दिखने लगा तो लोगों में अफरा-तफरी मच गई। फौरन दमकल विभाग ने मोर्चा संभाल लिया और कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि सूखी घास की वजह से आग लगी है। अग्नि एवं आपातकालीन सेवाओं के पुलिस महानिदेशक एमएन रेड्डी ने कहा, अनुमान है कि यह हादसा सूखी घास में आग लगने की वजह से हुआ होगा, जिसे तेज हवाओं ने भड़काया। दोपहर लगभग 12 बजे लगी आग ने शहर के उत्तर में बाहरी इलाके में स्थित वायुसेना अड्डे पर आयोजित एयर शो में सम्मिलित होने आए लोगों के वाहनों को तुरंत खाक कर दिया। सुबह 10 बजे शुरू हुए एयर डिस्प्ले शो के खत्म होने के तुरंत बाद आसमान काले धुएं से भर गया। राजी ने कहा कि अग्निशमन कर्मियों ने जल्दी कारों के पास खड़ी कारों के बीच जगह खाली कर आग पर नियंत्रण किया। रेड्डी ने बाद में ट्विटर पर कहा, कुल 300 कारें जलकर राख हो गई। आग पूरी तरह बुझा दी गई है। आग लगने का सटीक कारण अभी तक अधिकारी नहीं जान सके हैं। आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल की 10 गाड़ियां घटनास्थल पर गई थी। साहिल गांधी को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि। इससे पहले भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने अपने दिवंगत साथी साहिल गांधी को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। 7 सूर्य किरण विमानों वाली इस टीम ने आसमान में इनकम्प्लीट डायमंड फॉर्मेशन बनाया और अपने साथी को याद किया।